हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम। ओके, तो अपन पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंटिन्यूशन में अपन ने पढ़ लिया है। पहला पोर्शन अपन ने पढ़ा था किडनी के बारे में, दैट इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज योर किडनी। ओके, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नेफ्रॉन, एंड उसके बाद में अपन ने पढ़ा है किडनी के फंक्शंस पढ़ती है, और अपन ने पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको तीनों जो लेक्चर है उसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप पास से आपको जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं अब यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, है ना। अपन पढ़ते हैं यूरेटर। देखिए, अब यूरेटर क्या होता है कि ये दो होगी किडनी, दो किडनी होती है, पेड ऑर्गन होते हैं, दो किडनी होगी। अब किडनी, एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है। यूरेटर क्या है? एक नली, समझ लो, सीधे तौर पर आप समझ लो कि यूरेटर क्या है, एक नली है। उसके थ्रू क्या होता है, यूरेटर का काम क्या होता है कि जो यूरिन है, जो किडनी ने, जो नेफ्रॉन ने, जो यूरिन यूरिन जो बनाया है नेफ्रॉन ने, उस यूरिन को किडनी से क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करता है। कौन करता है? अपना यूरेटर। तो यूरेटर क्या है? पेड है, होलो ऑर्गन है। पेड होलो ऑर्गन है मतलब कि पेड यानी कि दो है। ठीक है, जब कोई भी दो होता है और सेम होती है, ठीक है, दो स्ट्रक्चर और सेम है, दैट मींस अपन उसको और उसके फंक्शन सेम है, अपन उसको क्या बोलते हैं, पेड ऑर्गन। तो ये क्या पेड होलो ऑर्गन है। उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि 10 इंच। ठीक है, और डायमीटर की अपन बात करते हो 3 mm इसका डायमीटर है। ठीक है, ये हो गया यूरेटर के बारे में। नॉर्मल है, यूरेटर के बारे में कोई नहीं पूछता है, अलग से यूरेटर का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ अपने को ध्यान होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एक ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या काम करता है कि स्टोरेज करने का काम करता है, यूरिन को स्टोरेज करने का काम करता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 600 ml। कितनी होती है, 600 ml। ये एक्सटेंडर बुक से लिया गया, अपने को ये है नॉर्मल वैल्यू है। ये क्या होती है, 600 ml जो वैल्यू है, इस 600 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है कि 600 ml तक ये करके रख सकता है। उसके बाद मिनिमम इस नॉर्मल क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर एक ट्राइगोन है। क्या है? ट्रायगोन। ट्रायगोन का मतलब होता है ट्राई यानी कि तीन, गोन यानी कि तीन जगह से। ठीक है, देखिए तीन यानी कि एक तो यूरिनरी ब्लैडर, दो हो गए यूरिनरी यूरेटर हो गए, दो दो यूरेटर होते हैं, और एक क्या होता है यूरेथ्रा, यानी कि इसकी क्या होती है, तीन ओपनिंग होती है। कितनी होती है, थ्री ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर से। दो तो यूरेटर आते हैं और एक यूरेथ्रा जाता है, दैट मींस थ्री ओपनिंग, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को ट्रायगोन बोलते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अपन को और क्या पढ़ना है कि यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रक्चर में जो एपिथिलियम पाई जाती है, वो कौन सी एपिथिलियम पाई जाती है, ट्रांजिशनल एपिथिलियम। कौन सी एपिथिलियम पाई जाती है, ट्रांजिशनल एपिथिलियम पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनल एपिथिलियम क्या काम करती है कि देखिए, अपन सबसे पहले लिखते हैं ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथिलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथिलियम एक स्पेशल टाइप की एपिथिलियम होती है। अगर नॉर्मल एपिथिलियम अगर पाई जाए तो वो क्या करती है कि स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, फट सकती है, इस वजह से यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथिलियम पाई जाती है। और ये ट्रांजिशनल एपिथिलियम क्या काम करती है कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग का काम करती है, रिलैक्सेशन का काम करती है ना। ये क्या काम करती है, ट्रांजिशनल एपिथिलियम पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग का, रिलैक्सेशन का काम करती है। उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे यूरिन बढ़ता जाता है, अपनी कैपेसिटी अपने लिए एक्सपांड करने का काम करती है ट्रांजिशनल एपिथिलियम। यहाँ पर दो ओपनिंग, दो स्प्रिंटर पाए जाते हैं, दो स्प्रिंटर पाए जाते हैं, स्प्रिंटर पाए जाते हैं, यूरेथ्रल स्प्रिंटर, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंटर। ये क्या होता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंटर। ठीक है, और ये होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्प्रिंटर। क्या होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्प्रिंटर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्प्रिंटर और इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंटर, दो स्प्रिंटर पाए जाते हैं। जब इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंटर होता है वो क्या होता है, स्मूथ मसल से बने होते हैं। कौन से मसल से बने होते हैं, स्मूथ मसल से बने होते हैं। अब आपको पता होगा कि स्मूथ मसल किस टाइप की होती है, कि स्मूथ मसल होती है इनवॉलंटरी टाइप की होती है। स्मूथ मसल्स होती है वो इनवॉलंटरी टाइप की होती है, दैट मींस अपना कोई कंट्रोल नहीं होता कि इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंटर अपन बंद कर सकते हैं या अपन ओपन कर सकते हैं। दैट इज अ टोटल डिपेंड ऑन देयर कैपेसिटी एंड देयर फंक्शंस। कब तक, यानी जब तक यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली होगा, एम्प्टी होगा,
जब यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है तब ये इंटरनल यूरिनरी स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, बंद होते हैं, बट जैसे जैसे 50% भर जाता है और उसके बाद जब अफेरेंट अफेरेंट नर्व जाती है और इफेरेंट नर्व सेंटर से इंपल्स लेके आती है, डिटरसल मसल्स एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है ये स्पिंक्टर ओपन हो जाते हैं। बट एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर है वो किससे बने होते हैं, स्केलेटल मसल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर स्मूथ मसल से बने होते हैं, ये इनवॉलंटरी नेचर में होते हैं, और ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर है वो किससे बने होते हैं, स्केलेटल मसल से, ये वॉलंटरी नेचर में होते हैं। ठीक है, अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपन कुछ टाइम तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, कुछ तीन पार्ट हो गए। बॉडी वाले पोर्शन में क्या होती है, स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती है, और उस मसल्स का क्या नाम है, डिट्रेसर मसल्स। क्या नाम है, डिट्रेसर मसल्स। और ये मसल्स भी होती है वो कैसी होती है, नेचर में स्मूथ मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, डिट्रेसर मसल्स। अभी डिट्रेसर मसल्स हो गया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गया, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर। अब क्या होता है कि यूरिन आ रहा है, यूरेटर के थ्रू यूरिन आ रहा है, भर रहा है, ब्लेडर भर रहा है, ब्लेडर भर रहा है, और ब्लेडर कब तक भर गया, आधा भर गया। 50% कैपेसिटी तक अपने को कोई सेंसेशन फील नहीं होते कि अपने को यूरिन करने जाना है ना, अपने को यूरिनेशन है, मिक्सुरेशन करने जाना है। मिक्सुरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, मिक्सुरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास आउट करना, एक्सक्रीट आउट करना, वॉइडेड करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्सुरेशन बोलते हैं। और ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस के द्वारा कंडक्ट होती है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस के द्वारा अकर होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी रिफ्लेक्स। अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अब स्कीमेटिक डायग्राम बना के अपन पढ़ेंगे कि मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है ना, कैसी प्रोसेस है मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स की। सबसे पहले क्या होता है कि यूरिनरी जो यूरेटर है यहां से यूरिन आ रहा है और 50% क्या हो गया, भर गया, 50% यूरिनरी ब्लैडर भर गया। अब 50% यूरिनरी ब्लैडर भर गया, जब तक 50% से तब तक तो क्या होता है कि इंटरनल स्पिंक्टर क्या होता है, क्लोज होता है, और डिट्रेसर मसल्स होती है वो क्या होती है, रिलैक्स, डिट्रेसर मसल्स इज रिलैक्स होती है। अब क्या होता है, 50% भरने के बाद जैसे ऊपर और भर गया थोड़ा, ठीक है, अब सेंसेशन आने स्टार्ट होते हैं अपने, ठीक है, कि भाई यूरिनेशन मिक्सुरेशन करने जाना है ना। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या होता है कि जो अफेरेंट नर्व होती है, अफेरेंट नर्व होती है वो क्या करती है, इंपल्स को ब्रेन तक लेके जाती है, सेंटर तक लेके जाती है। अब सेंटर में इंटरप्रेट किया और इफेरेंट नर्व आ गई। अब इफेरेंट नर्व क्या काम करती है, इस डिट्रेचर मसल्स को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, इस मसल्स को क्या करती है कि आप भाई कॉन्टेक्ट करो। डिट्रेचर मसल्स अब क्या करेगी, पहले क्या थी, रिलैक्स थी, अब इसको बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल स्पिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। इंटरनल स्पिंक्टर पहले क्लोज था, अब वो रिलैक्स हो जाएगा, दैट मींस ओपन हो जाएगा। अब इंटरनल स्पिंक्टर ओपन हो गया, इसके बाद यूरिन है वो कहाँ पे आएगा, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल स्पिंक्टर। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिट्रेसर मसल्स एक्टिवेट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर आर रिलैक्स, देन यूरिन ये जो उसके बाद ये क्या करते हैं, स्ट्रेच मसल, ये जो मसल्स होती है ये क्या काम करता है, एपिथेलियम होता है, ये क्या करता है, स्ट्रेच करने का, जैसे जैसे बढ़ता है स्ट्रेच करता का काम करता है ना, स्ट्रेचिंग, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का स्ट्रेचिंग का काम करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ये एक्टिवेट हो गई, रिलैक्स हो गई, अब यूरिन आना स्टार्ट होगा, अब यूरिन आना स्टार्ट होगा। बट अपन एक लिमिटेड पॉइंट, एक लिमिटेड टाइम, कुछ टाइम तक अपन क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। चाइल्ड और एडल्ट क्या करते हैं, ओल्ड करके रख सकते हैं, ओल्ड में ये नहीं हो सकता ओल्ड, है ना, क्योंकि इनके स्पिंक्टर क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है, एज के साथ साथ। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर अपन क्या कर सकते हैं, ये वॉलंटरी होता है नेचर में, अपन उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो अब फिर जब अपने को जाना है अपन जा सकते हैं, और यूरिन क्या होगा, वर्ड होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्सुरेशन। और जो ये रिफ्लेक्स प्रोसेस भी अपन उसको क्या बोलते हैं, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स। अब आगे क्या होगा, यूरेथ्रा होगा, और जैसे मेल है तो मेल यूरेथ्रा, फीमेल है तो फीमेल यूरेथ्रा। अब देखते हैं अपन यूरेथ्रा की बात करते हैं। अब यूरेथ्रा है वो क्या है,
अगर मेल है तो मेल में मेल यूरेथ्रा अगर उसकी लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, मेल यूरेथ्रा की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर होती है, और इसके दो फंक्शंस होते हैं, यूरिनरी फंक्शंस भी करता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी करता है। यूरिनरी फंक्शंस में यूरिन को पास आउट करने का काम करता है एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में सीमन को पास आउट करने, मतलब कि मेल यूरेथ्रा दोनों काम करता है एक साथ में, दोनों काम करता है, यूरिन को भी पास आउट करता है, कैरी करता है, और सीमन को भी कैरी करता है, और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होती है वो फीमेल यूरेथ्रा से डिफरेंट होती है, और फीमेल यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है, नैरोर होता है, शॉर्टर होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर, 3.5 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये सिर्फ यूरिनरी फंक्शंस करता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल यूरेथ्रा यूरिनरी फंक्शंस करता है। मेल यूरेथ्रा है उसके 3 पार्ट हो गए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया, और स्पंजी यूरेथ्रा हो गया, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा के बारे में हो गया, अपन ने पढ़ लिया। अब यूरेथ्रल स्पिंक्टर कौन से होते हैं, 2 स्पिंक्टर होते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स दैट इज अ नेचर इन इनवॉलंटरी, एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज अ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स दैट इज इन अ वॉलंटरी नेचर, एंड दैट वी कैन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर वी कैन होल्ड यूरिन एट अप टू सम टाइम्स, कुछ समय के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन को यूरिन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये सब हो गया अपना यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अब अपन स्कीमेटिक डायग्राम बना करके एक समझ सकते हैं कि मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है ना, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में अपन देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम बना के, ठीक है। मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स, और मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, मिक्सुरेशन क्या होता है, मिक्सुरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, मिक्सुरेशन क्या एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो क्या होता है, पास आउट होता है, वॉइडेड आउट होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में किडनी ने यूरिन लाया, नेफ्रॉन ने यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू अपन क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू अपन क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट करते हैं, और जो पास आउट होने की जो प्रोसेस है ब्लैडर से लगा करके जो अपन वॉइडेड आउट करते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मिक्सुरेशन प्रोसेस। और एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिफ्लेक्स के द्वारा ये कंडक्ट होती है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स। और मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए एट द टाइम ऑफ फीलिंग, जब तक एट द टाइमिंग ऑफ फीलिंग, फीलिंग का मतलब भर रहा है ना, एट द टाइमिंग ऑफ फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होता है पूरी तरह से, तब जो इंटरनल अपने जो स्पिंक्टर होता है, इंटरनल यूरेथ्रा स्पिंक्टर वो क्लोज होते हैं और डिट्रेशन मसल्स रिलैक्स होती है ना, तो एट द टाइम ऑफ फीलिंग जब तक भर रहा होता है उस टाइम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डिट्रेसर मसल्स एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर आर क्लोज, क्या होता है, क्लोज, डिट्रेसर मसल्स रिलैक्स होती है और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। जब फिर क्या होता है, अब भर रहा है यूरिनरी ब्लैडर, भर रहा है ठीक है, और 50% क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर भर दिया, यानी कि 50% फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, 50% यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया, भर गया। अब 50% भरने के बाद अब क्या होगा, जो स्ट्रेस रिसेप्टर थे, क्या थे, स्ट्रेच रिसेप्टर है वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाएगी, और वो रिसेप्टर क्या करेंगे, अफेरेंट नर्व के थ्रू, अफेरेंट नर्व हो जाएगी, एक्टिवेट होंगे, इंपल्स जनरेट होगी और इंपल्स क्या जाएगी, ब्रेन में जाएगी, अफेरेंट नर्व ब्रेन में गई, ब्रेन या फिर सेंटर अपन बोल सकते हैं, सेंटर में, और फिर क्या आई, इफेरेंट नर्व, क्या आई, इफेरेंट नर्व इंपल्स लेके आई कि भाई अपन को क्या करना है। अब इफेरेंट नर्व आई, उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि डिट्रेसर मसल्स होगी और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर उसको क्या किया, एक्टिवेट किया, और डिट्रेसर मसल्स क्या होगी, एक्टिवेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट करनी स्टार्ट होगी, तो डिट्रेसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर आर ओपन, क्या होगी, डिट्रेसर मसल्स क्या होगी,
यूट्रस आर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर आर ओपन। अब एक बार ओपन हो गया इंटरनल स्पिंक्टर, तो इंटरनल स्पिंक्टर ओपन हो गया, यूट्रस और मसल्स एक्टिवेट हो गई, कांटेक्ट करने लग गई, यूरेथ्रा स्पिंक्टर ओपन हो गया, तो अब यूरिन किसमें आएगा? यूरेथ्रा में। एक बार यूरेथ्रा में आने के बाद अपन जो यूरिन है उसको अपन एक्सटर्नल, जो अपना एक्सटर्नल स्पिंक्टर है यूरेथ्रा स्पिंक्टर, उसके थ्रू अपन कुछ समय के लिए अपन उसको होल्ड करके रख सकते हैं, बाकी उसके बाद अपने को मिक्सुरेशन करना ही करना है। तो ये सब प्रोसेस क्या होती है? मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, खाली होता है यूरिनरी ब्लैडर, जैसे जैसे भर रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर 50% तो भर रहा होता है उस टाइम यूरिनरी ब्लैडर में डिट्रेस और मसल्स रिलैक्स होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर होते हैं वो क्लोज होते हैं 50% बनने के बाद। फिर जब तक 50% बचा है उसके बाद ये स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एफेरेंट नर्व जाती है ब्रेन और सेंटर में, और इफेरेंट नर्व आती है और डिट्रेस और मसल्स कॉन्टैक्ट होने स्टार्ट होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर क्या होता है ओपन हो जाता है और मिक्सुरेशन हो जाता है। तो आज की अपनी ये क्लास थी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जो अपने जो प्रीवियस वीडियो है रिनल सिस्टम से रिलेटेड, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए उसको जाके, और अपना जो रिनल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहा है वो आप नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, जिसको अपन बोलेंगे रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, अपन पढ़ेंगे, अपन ने किडनी पढ़ लिया, नेफ्रॉन पढ़ लिया, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया, यूरेटर पढ़ लिया, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लिया, मिक्सुरेशन पढ़ लिया, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स पढ़ लिए, अब अपन पढ़े यूरेथ्रा भी पढ़ना पड़ लिया, अब अपन को लास्ट में पढ़ना है रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसके बाद अपना जो ये सिस्टम होगा रीनल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बने रहिए।